ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है आपस में चर्चा प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है, और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अभी एक महीना से क्या क्या आने लगा। किस मंच पर हम बात करें, हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, एक सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए, और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमज़ोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है, तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें, और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज़ है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। हमको आश्चर्य, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा आए गए वाला नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अधिकांश लोग जो आज आपके साथ सत्ता में हैं, अधिकांश लोग, एक दो व्यक्ति श्रवण कुमार जी, लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह जैसे लोगों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद में भी दो तरह के लोग हैं, या तो आए गए वाले लोग हैं, या 2005 में सरकार बनने के बाद सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए आपके साथ शामिल हुए लोग हैं, संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। 95% लोग संघर्ष वाले नहीं हैं, समता पार्टी वाले नहीं हैं। तो मेरे ऊपर जो कह रहे हैं कि आए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए गए और बहुत सारे लोग आए गए, तो उनके बारे में आपका नहीं कहना है। और उपेंद्र कुशवाहा आया गया, उपेंद्र कुशवाहा फिर वह कहते हैं कि अपना मन से आए और अपना मन से गए, तीन बार की बात की जा रही है, सुनकर हंसी आती है, तीन बार नहीं दो बार हम पार्टी में वापस हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई बात होगी तो हमसे बतिया ले, कोई बात होगा, हम तो इज्जत करने वाले थे, बात करेंगे सर, पता नहीं हमसे बात करेगा तो हम क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है, अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम लोगों से पूछिए, कोई मतलब है इसका, कोई मतलब इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते हैं। जिनको जो इच्छा हो राजनीति में, सबको अपनी अपनी इच्छा होती करे, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कोई आ जाए कोई जाए तो अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी को कोई मतलब नहीं, पार्टी वाले लोग अपना काम में लगे रहते हैं। हम बार बार बता दिए कि पहले से सदस्यता अभियान की संख्या और बढ़ गई, आप इसे सोच लें, तो इसलिए अब कोई बोलते रहता तो बोलते रहे, क्या मतलब है। मिलकर मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, यह भी मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, मिलकर बात हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है पार्टी की कमजोरी के बारे में, जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1-to-1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है, और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमज़ोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की,
लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमज़ोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए, वन टू वन बात हो रही थी। अब बताइए, जब हम मिलकर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, अब कैसे मिलकर हम बात करें इसका अर्थ तो वही बता पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।